आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। पराठे तो चाहे कोई भी हो, वह हर मौसम में खाने में अच्छे लगते हैं। और पराठे तो कई तरह से बनाया जाता है, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पराठे। प्याज के पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटे का डो बनाएंगे। आटे में हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। पराठे के लिए हम आटे को थोड़ा नरम गूंथेंगे। हमें इसे रोटी से भी मुलायम आटा गूंथना है, तो इसलिए हम थोड़े थोड़े पानी डालकर आटा गूंथेंगे, जिससे आटे बहुत ज़्यादा गीले ना हो पाए। आप देख सकते हैं आटे गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। पराठे के लिए हमने इतना मुलायम आटा गूंथा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे आटे फूलकर सेट हो जाएं। जब तक आटे सेट हो रहे हैं, तब तक के लिए हम पराठे के फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को हमने बारीक चॉप किया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पर हमने 1 मैश किया हुआ उबला आलू लिया है, इसको भी डाल देते हैं। और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर प्याज में मिला लेते हैं। आलू को हम इसी में हाथ से महीन करते हुए मिलाएंगे, जिससे आलू को ढोके न रहें और वो प्याज में अच्छे से मिल जाएं। अगर आप इस तरह के पराठे बना रहे हैं, तो एकदम बारीक कटा हुआ प्याज लें। अगर एकदम बारीक कटा हुआ प्याज रहेगा, तो पराठे बेलते समय फटेंगे नहीं और आपके पराठे एकदम फूले फूले बनेंगे। पराठे के लिए फिलिंग हमने तैयार कर लिया है। अब 10 मिनट के बाद हम डो को देख लेते हैं। ये आटे अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। अब आटे को हम बोर्ड पर मसल कर इसका लोई बनाएंगे। पराठे के लिए हम लोई थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जिससे हम इसमें आसानी से फिलिंग कर सकें। लोई को हम मसल कर पेड़े बना लेते हैं। इसके बाद हम इसमें सूखा आटा लपेटेंगे। अब लोई को हम हाथ से फैलाकर इसके बीच में जगह बनाएंगे। इस तरह हम इसको फैलाकर कटोरी जैसा बना लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच प्याज के फिलिंग करेंगे। अब इसको हम अंगूठे से दाबते हुए चारों तरफ से पैक कर देते हैं। पराठे में हम फिलिंग उतना ही करेंगे, जिससे पराठे बेलते समय फटे ना। इसको हमने अच्छे से पैक कर दिया है। अब इसे हम चपटा करके सूखे आटे में लपेट लेते हैं। लोई को हम थोड़ा से हाथ से दाबकर फैला देते हैं। अब इसे हम हल्के हाथ से पराठे बेलेंगे। बेलन को हम चारों तरफ से घुमाते हुए बेलेंगे, जिससे पराठे कहीं से मोटे पतले ना रहें। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पहला पराठा बेल लिया है। अब पराठे को हम सेक कर आपको दिखाते हैं। तवे पर हम थोड़ा तेल लगाकर गरम करेंगे। आप चाहें तो पराठे को घी में भी बना सकते हैं। अब तवे पर हम पराठे डालकर सेक लेते हैं। पराठे हम मीडियम आंच पर सेक रहे हैं। अब पराठा नीचे सिक गया है, हम इसे पलट देते हैं और इसके ऊपर से तेल लगा देते हैं। अगर आप पराठे घी में खाना पसंद करते हैं, तो आप पराठे में घी लगाकर बना सकते हैं। अब इसको पलटकर दूसरी तरफ तेल लगा देते हैं। अब पराठे को हम उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से चित्ती पड़ने तक सेकेंगे। अब पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से चित्ती पड़ गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के पराठे को सेक लेते हैं। जब पराठा नीचे से हल्का सिक जाएगा, तभी हम पलटेंगे। अब इसको भी हम पलट कर दोनों तरफ से तेल लगा देते हैं। पराठे में तेल लगाने के बाद जब तक अच्छे से चित्ती पड़ न जाए, तब तक पराठे को सेकते रहें और
और पराठे को आप जब भी तो मीडियम आंच पर सेकें। मीडियम आंच पर सेकने से पराठे अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। अब ये वाला भी पराठा सिक गया है। एक एक करके हमने पूरे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। एक कप गेहूं के आटे में हमने पूरे चार। अब पराठे को हम काट करके दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है। आप देख सकते हैं पराठे में फिलिंग चारों तरफ से अच्छे से हुआ है और ये अंदर तक अच्छे से पक गया है। यह पराठा सब्जी के साथ, चटनी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आप इस तरीके से प्याज के पराठे घर पर बनाएंगे तो बच्चे और बड़े इसे बहुत शौक से खाएंगे। यह पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।